अगर दोस्तों आप एक ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इंडिया सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए एक नई भर्ती आई हुई है, जिसका फॉर्म भरने का डेट अभी भी बाकी है। ये बिहार ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म निकला हुआ है, इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इसके डिटेल बता दे रहा हूँ और उन लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ जो भी भरना चाहते हैं, जो झारखंड के हैं वो लोग, झारखंड का जो ग्रामीण डाक सेवक का जो फॉर्म आया था उसका जो रिजल्ट है वो अभी अभी चल रहा है, उसका प्रोसेसिंग में है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। और यदि आप इसको भी भरना चाहते हैं बिहार ग्रामीण डाक सेवक को, तो इसको भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। फॉर्म भरने का डेट 26/5/2021 तक है, 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फी पेमेंट करना होगा और अप्लाई कर देना होगा। फॉर्म भरने का जो पेमेंट है 100 रुपया लगेगा आपको। बिहार सरकार, बिहार जो है, बिहार में 1940 पोस्ट में ये बहाली आई हुई है, देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसका नोटिस डाउनलोड कर रहा हूँ, ये नोटिस डाउनलोड कर लिया मैंने, अब इसको ओपन करते हैं। नोटिस डाउनलोड हो गया है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या क्या लिखा है इसमें देखिए। जो पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, और बस इतना ही है। और इसमें जो दो पोस्ट है तो इसमें कितना पेमेंट आपको मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। BPM में देखिए 12,000 और 14,500 यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आपका लेवल के अनुसार, लेवल वन में है 12,000, लेवल टू में 14,500। दूसरा जो है देखिए डाक सेवक, इसमें 10,000 है फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में 12,000। ये हो गया आपका पेमेंट का, ठीक ना। एलिजिबिलिटी है आपका 18 से 40 साल होना चाहिए, 27/4/2021 तक में, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका 10th पास होना चाहिए, इसमें 10th पास होना ज़रूरी है। शेड्यूल कास्ट के लिए जो एज का जो रिलैक्सेशन मिला है वो 5 साल है ST SC में, और अदर बैकवर्ड कास्ट में 3 साल का है। EWS जो है वीकर सेक्शन में, उनके लिए नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD में जो आते हैं उनके लिए 10 साल का है, PWD+OBC के लिए 13 साल, PWD+ST SC में जो आते हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। आपको एज का उसमें छूट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 क्लास पास होना चाहिए। इसमें आपका 10 क्लास में आपको जो जो भी क्लास आप 10th पास किए हैं उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी होना चाहिए आपका 10th में, और उसमें पास भी होना चाहिए, यह चीज़ लिखा हुआ है। और कुछ कुछ डिटेल लिखे गए हैं जो कि आपको जानना उतना ज़रूरी नहीं है। बाकी बात, आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल जो नोटिस है उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा और सारा लिंक दे दूंगा, और कैसे कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसको अपलोड करना है और पेमेंट कर देना है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि इसका भी वीडियो मैं बना के दे दूं कि किस प्रकार इसको फॉर्म भरना है, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। बाकी बात, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ कैसे आपको भरना है। सबसे पहले आप जब आप रजिस्ट्रेशन में जाते हो तो रजिस्ट्रेशन में ओके करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट, अपना नाम डाल लिएगा जो सर्टिफिकेट में है, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब सारा चीज़ आप डाल लीजिएगा, जो चीज़ मांगा गया है। रिव्यू कर लीजिएगा आपका सही है कि नहीं, और ये के पाचा डाल के सबमिट कर दीजिएगा, ये सब ओके करके, ये सब टिक करके ओके कर दीजिएगा। जब इतना कर लीजिएगा उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप भरने कहा जाएगा, और फॉर्म फिलअप भरने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में यहाँ पर देखिए सेकेंड में पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूसरा है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फी पेमेंट करना होगा। पेमेंट जैसे ही आपका हो जाएगा, 72 घंटा लगेगा आपका इसको पेमेंट होने में, उसके बाद आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। जो सारा डेट Stage 3 है, अप्लाई ऑनलाइन, फिल अप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप कहाँ कहाँ लेना चाहते हैं, किस जगह आपको चाहिए वो चीज़ करना है, उसके बाद बस हो गया। और देखिए रिजल्ट का जो वेट करते हैं कि झारखंड GDS का रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिजल्ट अंडर प्रोसेसिंग झारखंड, 1118 पद में निकला था, ये प्रोसेसिंग में है, ठीक है।
फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।